मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। वनस्पति तंत्र के चमत्कारी प्रयोग की श्रृंखला में आज प्रस्तुत करता हूं एक वीडियो आपकी सेवा में। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे एक ऐसी वनस्पति के प्रयोग के बारे में जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देगी। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा सदैव बनी रहेगी। आपके रसोई और आपके भंडार कक्ष के जितने भी खाली बर्तन हैं वो सब धन धान्य से भर जाएंगे और आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी। ये सारी चर्चा को आपसे करूंगा इस वीडियो के लास्ट तक। आपसे निवेदन है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बड़ी अच्छी और उत्तम जानकारी आप तक पहुंच रही है इस वनस्पति तंत्र के प्रयोग की। मेरे भाइयों, अपना परिचय देता हूं। मैं आचार्य पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं ग्रहवाणी, आपका जो लोकप्रिय चैनल है यूट्यूब का, आप देख रहे हैं ग्रहवाणी चैनल। मेरे भाइयों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करता हूं अध्यात्म की, पौराणिक उपाख्यानों की, सनातन संस्कृति की, और सनातन संस्कृति के प्रति जो जिज्ञासाएं आपके मन में हैं उन जिज्ञासाओं की, आपके और आपके पूरे परिवार की जन्म कुंडलियों का परामर्श देता हूं, और वो भी देता हूं बिल्कुल निःशुल्क। केवल आपको लेना होता है ग्रहवाणी परिवार की सदस्यता। सदस्यता के लिए आप स्क्रीन पर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर अपना मैसेज भेज सकते हैं और सदस्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मामूली आपके सहयोग से आपको पूरे वर्ष पूरे परिवार की जन्म कुंडलियों का परामर्श मिलता है। ना हमारे यहाँ कोई प्रश्नों की सीमा है और ना हमारे यहाँ कोई समय की सीमा है। आपकी परेशानी में हर समय खड़ा रहना, ये मेरा सिद्धांत है। मेरे भाइयों, एक सिद्धांत और भी है मेरा। इस चैनल को जब मैंने बनाया था उसी वक्त से मैंने सोच रखा था कि प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारियां आप तक मैं पहुंचाऊं। अपने चैनल के व्यूज बढ़ाने के लिए मैं कतई ऐसा नहीं करता कि भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी आप तक पहुंचाऊं। मेरे चैनल की जो भी विषय वस्तु है प्रामाणिक है और तथ्ययुक्त है, आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। प्रायः मैंने देखा है कि अन्य चैनलों में ऐसा नहीं होता है और कुछ लोगों ने उसका दुष्परिणाम भी भोगा है और मुझे फोन करके बताया। तो मैंने भाइयों, अब चर्चा करूंगा मूल विषय की, आपको उस वनस्पति का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है। मैंने भाइयों, 5 जून 2022 दिन रविवार और नक्षत्र अश्लेखा, आपको करना यह है कि आप रविवार के दिन सुबह उठें, स्नान वगैरह करें और जो भी पूजन करते हैं वो कर लें। हल्दी से रंगे हुए कुछ चावल, एक मुट्ठी चावल लेकर के आप जाएं और जाएं किसी अच्छे वट के नीचे, जिसे हम बरगद कहते हैं, उसके नीचे जाएं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन पीले चावल को अच्छे वट की जड़ में रखें और प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, मैं अपने घर की दरिद्रता का शमन करने के लिए भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की नियमित कृपा प्राप्त करने हेतु अपने घर के भंडार को सदैव धन धान्य से भरा रखने हेतु आज आपके दो पत्र लेकर के जा रहा हूँ, दो पत्ते लेकर के जा रहा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करें और अपनी दिव्य शक्तियों से हमें सुख प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आपको उस वट वृक्ष से दो पत्ते ऐसे तोड़ने हैं जो एक डंठल से जुड़े हुए हों, अलग नहीं तोड़ना है। एक डंठल से जुड़े हुए दो पत्ते लेके आने हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लेकर के आने हैं। अपने घर में आ करके उन पर गंगा जल छिड़क करके, धूप दीप करके, पीले रुमाल के ऊपर या पीले रंग का कोई भी नया कपड़ा हो उसके ऊपर उन दोनों अच्छे वट के पत्तों को रख देना है और ये मान करके रख देना है कि ये भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा है। ऐसा करके
आप इसको अपनी रसोई में रख सकते हैं, अपने भंडार कक्ष में रख सकते हैं, और नित्य इस पर धूप दीप करना है, धूप बत्ती दिखानी है। आप ऐसा अगर करेंगे और नियमित रूप से तब तक करते रहिए जब तक अगला महीना ना आ जाए, यानी एक महीना, जब पुनः एक महीना पूर्ण हो जाए तब इन पुराने पत्तों को ले जा करके या तो किसी मंदिर में रख दीजिए या तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। और फिर अगला वीडियो जब मैं बताऊंगा, वो तारीख बताऊंगा, उस तारीख को पुनः इसी तरह से करना है। और अगर आप इसे नियमित करते हैं तो आप 100% विश्वास कर लें कि माता अन्नपूर्णा की इतनी विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपके जीवन की दरिद्रता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कल मैं क्या बनेगा मेरे रसोई में, सारे रसोई के बर्तन खाली हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका रसोई और आपका भंडार कक्ष और उसके बर्तन सदैव धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। बहनों भाइयों, अगर इस वीडियो की विषय वस्तु पसंद आती है तो आप इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आपसे एक निवेदन और भी करूंगा कि जब भी आप मुझे फोन करते हैं तो मैं आपके फोन पर मैं ही रहता हूं, मैं ही आपका फोन अटेंड करता हूं, तो आप अपना बात करने का समय लेने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। और अगर परामर्श चाहते हैं तो अपना डिटेल भेजिएगा। निःशुल्क परामर्श चाहते हैं तो सप्ताह में 3 लोगों का निःशुल्क परामर्श कम से कम मैं करता हूं। और आर्थिक व्यवस्था चूंकि मुझे जन्म कुंडली से दिख जाती है तो अगर जरूरत समझता हूं तो 3 से ज्यादा लोगों का भी परामर्श दे देता हूं। आपकी हर परेशानी हमारी परेशानी, आपका हर दुख हमारा दुख, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें और माँ भगवती की कृपा से सदैव आनंदित रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।